खबर आ रही है आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में मुदगल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। बंद लिफाफे में मुदगल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आपको बता दें 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और बेटिंग केस में मुदगल कमेटी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट मुदगल कमेटी ने सौंपी है। बात करते हैं एनएन न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा से। आशीष, बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप दी गई है, क्या जानकारी? और बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में मुगदल जस्टिस मुगदल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। दरअसल पिछले साल जब जस्टिस मुगदल इस पूरे मामले की जांच कर रही थी कमेटी, उस समय उन्होंने 13 नामों को सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दिया था, जिसमें से एक नाम एन श्रीनिवासन का था। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इसमें फर्दर प्रूफ की जरूरत है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुगदल को ही इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए थे। जस्टिस मुगदल ने अपनी रिपोर्ट अब सबमिट कर दी है। अगले सोमवार को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। जी आशीष, इसके बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में, हालांकि ये बंद लिफाफे में सौंपी गई है, इसमें और क्या जानकारियां हो सकती हैं इसके बारे में? देखिए, आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग से जुड़े तमाम जो भी नेटवर्क हैं, उन सारे चीजों की जानकारी इस रिपोर्ट में होगी। साथ में इस रिपोर्ट में ये भी बताया जाएगा कि एन श्रीनिवासन, और इसके अलावा रिपोर्ट में जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि कुछ वर्तमान खिलाड़ियों की भी जांच की जरूरत है, तो क्या कुछ वर्तमान खिलाड़ियों से भी बातचीत की गई है, क्या उनके भी नाम इस रिपोर्ट में है? इन तमाम बातों का जिक्र होगा इस रिपोर्ट में, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा 10 नवम्बर का, जब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा 10 नवम्बर का, जब ये लिफाफा खुलेगा और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी के लिए। आगे